हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी लॉन्ग लास्टिंग एंड स्मज प्रूफ थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ काजल लुक्स बाय यूजिंग लोटस इकोस्टे काजल एंड आईलाइनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट जो लुक है उसमें मैं एट फर्स्ट यूज़ कर रही हूँ लोटस का काजल। पहले वाटर लाइन पर काजल अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी एंड वाटर लाइन के नीचे से भी इसे अच्छी तरह से थोड़ी वाइडली अप्लाई करूँगी। ये जो काजल है काफ़ी डार्क है एंड ये काजल स्मज प्रूफ भी है, तो वाटर लाइन के नीचे से अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद अभी मैं यूज़ करूँगी लोटस का इकोस्टे आईलाइनर। तो वाटर लाइन के नीचे से जहाँ से मैंने काजल को एंड किया है उसी से एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी आईलाइनर से। इससे क्या होगा, हमारी काजल जो है लॉन्ग लास्टिंग बनेगी एंड ये बिल्कुल स्मज प्रूफ रहेगी। एंड इसी के साथ हमारी फर्स्ट लुक यहाँ पर कम्प्लीट हो गई। सेकेंड लुक के लिए मैं फर्स्ट काजल यूज़ कर रही हूँ, तो काजल को एज़ आईलाइनर आपको अप्लाई करना है आपकी अपर लैश लाइन पर कुछ इस तरह से। ये काजल आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क है, तो इसे आईलाइनर की तरह अप्लाई करने के बाद अभी ठीक नीचे जैसे आपने आईलाइनर से आउटलाइन ड्रॉ किया था उसी तरह से ऊपर भी इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ करना है। एंड इसी के साथ हमारी सेकेंड लुक भी कंप्लीट हो गई। थर्ड लुक को मैं इसी से एक्सटेंड करूँगी, तो फर्स्ट मैं विंग क्रिएट करूँगी कुछ इस तरह से। इसमें मैं बस आईलाइनर यूज़ करूँगी, तो आप यहाँ पर विंग जितनी लंबी चाहें उतनी लंबी क्रिएट कर सकते हैं। मैं बस इतना सा विंग क्रिएट करूँगी एंड इनर कॉर्नर पर भी मैं थोड़ी सी विंग क्रिएट करूँगी। एंड दैट्स इट फॉर द थर्ड लुक। सो गाइज, ये जो थ्री लुक्स मैंने आपको दिखाया काजल का, ये सभी लुक्स जो है आपकी काजल जो है बिल्कुल भी स्मज नहीं होगी आईलाइनर की वजह से एंड ऑल्सो ये लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगी। ये काजल काफ़ी डार्क है, सो आपकी आई मेकअप जो है बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। आप विदाउट आई शेडो, विदाउट कोई अदर आई मेकअप बस इस तरह से काजल लुक क्रिएट कर सकते हैं, इससे भी आपकी मेकअप काफ़ी अच्छी दिखेगी। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ काजल लुक्स। अगर आप लोटस का ये इकोस्टे काजल या फिर लोटस का ये आईलाइनर परचेस करने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा।